हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तबीयत तो वगैरह सभी लोगों का सही है ना? कमेंट करें सभी लोग, एक बार बताएं हालचाल, बताएं अपना। गाइस, कितने लोग आज से पूरी तरीके से पूरी तरह से जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे थे पहले, यानी जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से पहले पढ़ाई कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ में पढ़ाई करने के लिए तैयार हुए हैं? ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कितने लोग आज से प्रण लिए हैं कि पेन कापी कलम किताब सब कुछ उठा लिए हैं, अब रणभूमि में उतर गए हैं, अब पेपर को तोड़कर ही मानेंगे। पेपर कभी भी हो, परीक्षा किसी दिन भी हो, परीक्षा में अपना झंडा गाड़ कर आएंगे। कितने लोग तैयार हुए हैं एक बार जरा बताइए। गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप तैयार हो चुके हो तो आप रणभूमि में उतर चुके हो। अगर एक बार योद्धा रणभूमि में उतरता है तो फिर वह रण को जीत कर ही आता है। तो आप योद्धा है ना, बिना जीते आप वापस नहीं जाएंगे ना, बिना जो जीते आप अपने हथियार नहीं डालेंगे ना। हथियार डालने का मतलब यह है कलम कापी बंद तो नहीं करेंगे ना, पूरी ताकत के साथ में आप लड़ाई करेंगे ना, पढ़ाई करेंगे ना। जरा बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर। गाइस, मैंने आपको बताया था कि आज से हम आपके फिजिक्स के जो डेरिवेशंस हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, वैसे मैं अनसॉल्व चला रहा था, उसी अनसॉल्व में डेरिवेशन पर ज़्यादा फोकस करेंगे इस सप्ताह में। इस सप्ताह का टारगेट है कम से कम फिजिक्स में 10 नंबर पक्का करना, कम से कम 8 से 10 डेरिवेशन इस सप्ताह में आपको कंप्लीट कराना, हो जाएंगे। आज इसका पार्ट वन है, तैयार हो जाइए सभी लोग पेन पेपर लेकर। गाइस, एक बात ध्यान देना, जिस दिन टाइम टेबल आएगा ना, उस दिन सभी लोग पढ़ने स्टार्ट करेंगे, आगे वही निकलेगा जो इस समय पढ़ रहा होगा, जो इस समय पसीना निकाल रहा होगा। जब टाइम टेबल आएगा ना, सभी लोग पढ़ने स्टार्ट कर देंगे। डिसाइड आपको करना है, आप उन भीड़ में जाना है या फिर अपना कहानी अपने हाथों लिखना है। जरा बताइए, अपनी कहानी अपने हाथों लिखना है ना, भीड़ से अलग, अपना झंडा अपने कॉलेज में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, हो सके तो अपने बोर्ड में टॉप करना है, यह आपको करना है ना। अगर करना है तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि एक दिन की क्लास लेकर आप सभी लोग छोड़ देना, डेली क्लास में आना अगर करना है तो। नहीं पढ़ पा रहे तो जो क्लास में 2-3 मैं डेरिवेशन कराऊँ कम से कम उतना तो तैयार करिए, कुछ तो रिपीट होगा, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम आपको सेकेंड फिजिक्स के डेरिवेशन कराएंगे, क्योंकि फर्स्ट फिजिक्स के डेरिवेशन ईजी होते हैं। ईजी क्या होते हैं, कई बार आप लोग कर लिए होंगे, लेकिन सेकेंड फिजिक्स के डेरिवेशन से आप लोग नहीं किए होंगे। सिर्फ फर्स्ट फिजिक्स के काफ़ी डेरिवेशन हम भी कराए हैं कई बार, लेकिन सेकेंड फिजिक्स के काफ़ी डेरिवेशन मैं नहीं कराया हूँ, इसलिए डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन सभी चीज़ें मैं इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास। थोड़ा सा पानी पी लें। ठीक है, आपको मैं बता दूं सभी के लिए एक आवश्यक सूचना, वैसे तो आप सभी लोग जान गए होंगे, 21 मई 2021 को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है आप लोगों के लिए, बहुत ही बड़ा सरप्राइज है सभी के लिए, हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब परिवर्तन होगा, हाँ अब परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा कुछ न कुछ आप लोगों के बीच में। जो पुराने घिसे पिसे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, अब उससे कुछ अलग होगा। जरा गेस कीजिए क्या होगा। और सभी लोग घड़ी में अपने मोबाइल में सब जगह अलार्म लगा लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए, 21 मई 2021 को सुबह 11 बजे क्लास में आना मत भूलना। लाइव क्लास चलेगी सभी के लिए, ठीक है? अपने दोस्तों को भी लेकर आना, पास पड़ोसी गांव घर के इधर उधर के जो भी बैठे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं स्टूडेंट्स, सबको पकड़ के लेकर आना उस दिन क्लास में, पकड़ के लेकर आना सभी के लिए, बहुत ही बड़ी सरप्राइज है आप सभी के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में देखिए, आप सभी लोग मेरे छोटे भाई बहन के समान हो, मैं इसीलिए आप लोगों से सोचता हूँ 2-3 बातें हो जिया करें। आप सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, हम सभी के कमेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है? एक तरह से आपको भाई मानते हैं, इसीलिए मैं इस समय भी क्लासेस दे रहा हूँ, जबकि सभी इंस्टीट्यूट वाले, लगभग सभी इंस्टीट्यूट वाले, सभी क्लासेज वाले भी, जो आपसे पैसे तक लिए थे ऐसे क्लासेज, ऐसे लोग क्लास बंद करके भाग गए हैं। भाग क्या गए, वो नए स्टूडेंट पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको जैसा कहा, उस समय तबीयत ख़राब था इसलिए मैं क्लासेज नहीं दे पा रहा था, लेकिन जब तबीयत सही हुआ तो सही क्या, अभी भी खांसी वगैरह आ रही है, फिर भी मैं क्लासेज दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस समय की नज़ाकत को, इस समय में अगर मैं क्लासेज नहीं दूंगा तो आप एकदम पढ़ाई बंद कर देंगे, किसी को तो क्लास देना चाहिए, ठीक है? तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार सभी लोगों के लिए। सभी लोग माँ सरस्वती का नाम वगैरह ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए, ठीक है? देखिए, आज मैं 2 डेरिवेशन कराऊंगा। सबसे पहला डेरिवेशन आपके लिए नहीं कराऊंगा। पहला डेरिवेशन क्या है, सेकेंड फिजिक्स का डेरिवेशन है, कि
किसी गोली अवतल या उत्तल दर्पण के लिए, किसी गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए। मैं लिख देता हूँ, किसी गोली अवतल गोली अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र वन अपान क्या होता है, यन अपान बी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू यन माइनस वन अपान आर, ये होता है ना, ये होता है, ठीक है, वन माइनस आर, ठीक है, का निगमन कीजिए। ये आपके लिए क्या है, एच डब्लू, यह आपके लिए एच डब्लू। कहीं से भी देखिए, मेरे लेक्चर को देखिए, मैं भी इसको करा है, देखिए इसको तैयार कीजिए, ठीक है। ये आपको करके मुझे टेलीग्राम पर भेजना है, ईमानदारी से सभी लोग करके भेजना, अपने हथियार डालना नहीं है अब, ठीक है, अब पढ़ाई करनी है, इसे आप लोग ईमानदारी पूर्वक करके भेजना। अब मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, मैं इसी चैप्टर का सेकेंड डेरिवेशन कराने वाला हूँ। हाँ, सेकेंड डेरिवेशन क्या है, सेकेंड डेरिवेशन है किसी भी गोली पृष्ठ अवतल हो या उत्तल उसके अपवर्तन के लिए जो मेकर का सूत्र होता है, जो बल, जो सूत्र यह होता है, देखिए फोकस के लिए सूत्र वन अपान यफ इज इक्वल टू यन माइनस वन कोष्टक में वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये आपको हर साल देखने को मिलेगा, इसका मैं डेरिवेशन कराऊंगा। किसी गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र यन अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू यन माइनस वन अपान आर, इसे आपको करना है, मैं इसको कराऊंगा, बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको समझ में आएंगी, रिपीट होंगी, याद होंगी, ठीक है। तो चलिए इसे मैं कराने जा रहा हूँ। लेंस का सूत्र इसे कहा जाता है, इसी सूत्र को शायद मेकर का भी सूत्र कहा जाता है, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है, इसी सूत्र को क्या कहा जाता है, लेंस का भी सूत्र कहा जाता है, मेकर का भी सूत्र कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इस सूत्र को, ठीक है, ये होमवर्क हो गया और मैं इसका डेरिवेशन कराने शुरू करते हैं, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, वन अपान यफ इज इक्वल टू यन माइनस वन वन अपान आर वन माइनस आर टू, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, लेंस के लिए, ठीक है, लेंस के लिए ये मुझे सिद्ध करना है। तो कितने लोगों को ये सिद्ध करना आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए कैसे करेंगे सिद्ध, सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी गोली दर्पण के अपवर्तन के लिए सूत्र क्या होता है, वन अपान यन अपान बी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू यन माइनस वन आर, ये होता है सूत्र, ठीक है, जहाँ पर ये यन आपका अपवर्तनांक है, यन क्या है, अपवर्तनांक, इसे आप लोग जानिए, भी आपका क्या है, क्योंकि आप लोग भूल गए हो, नहीं लिखेंगे तो भूल जाओगे आप लोग, भी आपका क्या है बताइए, वस्तु, यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर क्या करो, मैं बताइए कहते हैं तो आप लोग पूछते हैं आपसे, बताइए भी क्या आपका, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, यू क्या है आपके लिए, वस्तु की दूरी आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये है आपका सूत्र, किसी भी गोली दर्पण के अपवर्तन के लिए सूत्र ये होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए हम लोग मानते हैं कोई एक गोली दर्पण है, इस तरह से यहाँ पे माने, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ये इस तरह से कोई गोली दर्पण है, इस तरह से ये आपका गोली दर्पण है, जिसका मुख्य अक्ष ये है, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है,
ठीक है, ये फिगर मेरे साथ बनाना, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को एकदम भूल गया है, मुझे मालूम है। ये क्या है मुख्य, अच्छा ये क्या है आपका मुख्य, अच्छा ये आपका गोली दर्पण है, ये आपका मुख्य अच्छा है। देखिए इसकी ये आपका R1 है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है और इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस P1 हो गया, ठीक है, इसके लिए वक्रता त्रिज्या R1 हो जाएगा। ये P1 क्या है इसके लिए, ध्रुव P1 है, ठीक है, इस ये सेकेंड है तो सेकेंड के लिए ये क्या हो जाएगा, इसके लिए वक्रता त्रिज्या R2 हो जाएगा और ध्रुव P2 हो जाएगा, ठीक है, ध्रुव P2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अपवर्तनांक n हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझना सभी लोग, इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये आपका एक ग्लास है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक वस्तु यहाँ पे रखते हैं, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखते हैं, यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं, ठीक है, एक वस्तु रखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, एक वस्तु ऑब्जेक्ट वो रखते हैं, तो यहाँ से वस्तु की प्रकाश किरण सीधे जाती है, पड़ती है इस आपकी ग्लास पे, पड़ने के बाद अपवर्तन के पश्चात यह एक आपका प्रतिबिंब बनाती है, यहाँ पे दिखाई तो दे रहा होगा ना, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाती है यहाँ पे, ठीक है, यह आपका जो प्रतिबिंब बनता है ये आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए इसके बीच की दूरी क्या है, यू है, क्योंकि वस्तु की दूरी यू से प्रदर्शित करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, परेशान मत होना। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक गोली दर्पण लिया जिसका ये फर्स्ट वाला जो एक्सिस है, फर्स्ट वाला जो आपका ये दर्पण का फर्स्ट पहला वाला ये, इसको P1 किए, यानी P1 आपका पहले वाले गोली दर्पण का मुख्य इसका ध्रुव है, और ये R1 क्या है, पहले वाले का वक्रता त्रिज्या है, R2 दूसरे वाले का वक्रता त्रिज्या है, और P2 दूसरे वाले का मुख्य अक्ष है। अभी मैं इसे लिखेंगे तो समझ में आएगा, परेशान मत होना सभी लोग, बस देखना। एक वस्तु ओ रखे हैं जिसकी दूरी यहाँ से क्या है, यू है, यह आपका यहाँ से प्रकाश किरण जाती है इस तरह से, और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात एक आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनाता है, और इसकी बीच की दूरी क्या हो जाती है, वी डैश, ठीक है, ये होती है। अब यह आभासी प्रतिबिंब, यह आभासी प्रतिबिंब इस दर्पण के लिए वस्तु का काम करता है, क्या काम करता है, वस्तु का काम करता है, ये सेकेंड कंडीशन में होता है, पहले इस कंडीशन को समझ लेते हैं उसके बाद सेकेंड कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, माना एक गोलीय उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 R2 है, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 R2 है, ठीक है, तथा मुख्य अक्ष तथा ध्रुव क्रमशः P1 P2 है, ध्रुव क्या है क्रमशः P1 P2 है, एक पहले के लिए P1 है दूसरे के लिए P2 है, ठीक है, ठीक है। माना एक वस्तु जो लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा है, एक वस्तु है जो कि लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा है, यह वस्तु रखा है वो, ठीक है, जिसकी लेंस से दूरी u है तथा लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब, लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब आई डैश बनता है, जो कि आभासी प्रतिबिंब, अरे यार प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब बिंब है, जो कि आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। क्या मैंने लिखा यहाँ पे, एक हमने लेंस लिया है,
लेंस की जो है पहला वक्रता त्रिज्या क्या है, आर वन आर टू है। लेंस से ध्रुव की दूरी क्या है, पी वन पी टू है। माना एक वस्तु हमने यहाँ पे रखा है, वस्तु की लेंस से दूरी क्या है, यू है। लेंस ये वस्तु जो है यहाँ से लाइट जाती है, तो इसे अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनता है आई डैश बनता है, जो कि आभासी प्रतिबिंब है। अब यह आई डैश की दूरी, आई डैश की लेंस से दूरी, लेंस से दूरी यू भी डैश है। आप लोग थ्योरी नहीं लिखते हो, इसीलिए मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ यहाँ पे। पॉइंट समझ में आया, इस आई डैश की इस लेंस से दूरी क्या है, बी डैश है। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे आप लोग, अतः अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र क्या है, n अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू n माइनस वन अपान आर। ये तो अपवर्तन का सूत्र है। अब देखिए, अगर इसके लिए मैं हम लिखें तो यहाँ पर वी क्या है, वी आपका है प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर वी क्या है आपका, वी है आपका प्रतिबिंब की दूरी। क्या है आपका यहाँ पे, वी क्या है आपका प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर क्या है, वी डैश। तो यन अपान वी डैश लिखेंगे। ठीक है, u क्या है वस्तु की दूरी, जो कि सेम है यहाँ पर, माइनस वन अपान यू ही रहने देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू यन क्या है आपका अपवर्तनांक है, माइनस वन अपान आर वन होगा, क्योंकि पहले वाले पृष्ठ के लिए, पहले वाले पृष्ठ का त्रिज्या क्या है, आर वन है, इसलिए यहाँ पर आर वन होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया, यहाँ पर क्या होगा, आर वन होगा। ठीक है, अब सिमिलरली इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर एक। सिमिलरली देखिए, ये जो पॉइंट है आई, इसके लिए वस्तु की कार्य करेगा, वस्तु के लिए कार्य करेगा, तो यहाँ से फिर से प्रकाश जाएगी वापस, और फिर से अपवर्तन के पश्चात जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बनेगा कहीं पे, इस साइड से बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि आपके लिए आई होगा, और ये दूरी क्या कहेगी आपकी, कैपिटल वी। ये दूरी आपकी कहेगी कैपिटल वी, ये दूरी क्या कहलाएगी, कैपिटल भी। ठीक है, यह दूरी क्या कहलाएगी, कैपिटल भी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी फार्मूले में सेकेंड वाले के लिए लिखते हैं। तो सेकेंड वाले के लिए वस्तु का कार्य क्या करेगा, ये वी डैश वाला। तो देखिए, सेकेंड फार्मूले के लिए देखिए, पहले क्या हो रही थी, प्रकाश यहाँ से जा रही थी, प्रकाश यहाँ से जा रही थी, मतलब बाहर से जा रही थी, मतलब वायु से ग्लास में जा रही थी, तब आपका अपवर्तनांक n था। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई प्रकाश ऊपर से यहाँ पर आती है तो अपवर्तन के पश्चात नीचे चली जाती है, तो इसकी अपवर्तनांक n है। अगर ये प्रकाश ऐसे जा रही है, मान लीजिए ये अब जल में जा रही है, फिर जल से वापस प्रकाश ऊपर जाता है, तो उत्क्रमणीयता सिद्धांत से इसकी अपवर्तनांक 1/n हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, देखिए वायु से प्रकाश ग्लास में जाती है, तो इसका अपवर्तनांक n है। अगर मान लीजिए यहाँ से ग्लास से वायु में आती हो तो क्या होगा, इसका अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। तो अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या है आपका, सूत्र क्या है, n अपान वी माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r है, ये सूत्र है। अब देखिए सेकेंड पिट से अपवर्तन कैसे होगा, सबसे पहले ये वस्तु की काम करेगा, ये आई डैश वस्तु के लिए काम करेगा, और ये v आपका क्या कहेगा, v आपका प्रतिबिंब की दूरी होगा। ठीक है, तो आइए देखिए, ये v प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, n अपान v हो जाएगा। वस्तु का काम क्या करेगा, ये i, तो ये हो जाएगा 1/v'। ठीक है, अब देखिए ये t भी लिया जा सकता है, इसकी t मोटाई अगर मान लीजिए इसका लिया जा सकता है, तो t भी लिया जा सकता है, लेकिन ये दूरी बहुत ही कम है, इसलिए t को नहीं ले रहे हैं, बुक वगैरह में t दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये देखिए गलती हुई यहाँ पे, 1/n लिखेंगे, क्योंकि अपवर्तनांक 1/n हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/r, ये लिखेंगे, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये 1/n नीचे आ जाएगा, n भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/v डैश हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 - n/n r। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर n से गुणा करते हैं, क्या करेंगे, ऊपर ऊपर n से गुणा करेंगे। ठीक है, जब ऊपर ऊपर n से गुणा करेंगे तो देखिए n अपान n भी ये हो जाएगा, तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा n भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस n अपान v डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू
एन अपान वन माइनस एन अपान एन, देखिए ये आर टू हो जाएगा क्योंकि दूसरे वाले पिट से हो रहा है ना, ये आर टू होगा, ठीक है आर टू, ठीक है, यहाँ पर एन बाहर है, अब ये एन इस एन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पे, ये हुआ, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर टू। अब एकदम आपका प्रूफ हो चुका है, केवल समीकरण नंबर टू से समीकरण नंबर वन को जोड़ दें, समीकरण नंबर वन यह है, समीकरण नंबर टू यह है, अब समीकरण नंबर टू और समीकरण नंबर वन को जोड़ दिया जाए तब आपका आंसर आ जाएगा, समीकरण नंबर वन और समीकरण नंबर टू को जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिए, हम इसको रब करके दोनों जोड़कर आपको आंसर दिखाते हैं, ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर वन और समीकरण नंबर टू जोड़ने पर, समीकरण वन और समीकरण टू जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होगा, देखिए यन अपान वी वन माइनस वन अपान यू प्लस वन अपान वी माइनस यन अपान वी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यन माइनस वन आर वन प्लस वन माइनस यन आर टू, ये हो जाएगा, देखिए आपका ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपान वी माइनस वन अपान यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन आर वन प्लस वन माइनस एन आर टू, हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा वन अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस वन वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, ये हो जाएगा, ये वन अपान एन आर वन माइनस वन अपान आर टू हो जाएगा, वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू हो जाएगा, ये आपका लेंस के लिए सूत्र है, ठीक है, अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे वन अपान बी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू वन अपान एफ, ये तो आप इलेवेंथ में ही पढ़े होंगे, सॉरी टेंथ में ही पढ़े होंगे, तो यहाँ पर इसका वैल्यू वन अपान एफ के बराबर होता है, अपान एफ इज इक्वल टू एन माइनस वन वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, बोलिए डेरिवेशन समझ में आया आप लोगों को, कुछ नहीं करना था यहाँ पे, बस कंडीशन नंबर एक में इसको वस्तु मानकर वहाँ पे निकाल देना है, कंडीशन नंबर दो में उसको वस्तु निकाल कर वहाँ पे निकाल देना है, इजी हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर लीजिए, पूरा समझ में आएगा, निश्चित रूप से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, आज आपके दो डेरिवेशन हुए, एक तो ये और एक इससे पहले जो मैंने आपको बताया, अगर ये दोनों डेरिवेशन आप तैयार कर लेते हो तो इस चैप्टर से मैक्सिमम यही दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप सभी को, कल के लेक्चर में सभी लोग आना मत भूलना, कल भी हम लोग दो डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कम से कम 10 डेरिवेशन तो इस सप्ताह में डिस्कस कर ही देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, कल के क्लास में उस डेरिवेशन को फिर से हम करा देंगे, ठीक है, ये समझ में आ तो आया आप लोगों को, आया होगा समझ में, मुझे उम्मीद है, ठीक है, कैसे करते हैं बहुत ईजी है, आपको मैंने लिख लिख कर पूरा सिखाया, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।